महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे लाडले बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नरेटिव को परकुलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत है, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, रामदास अठावले जी और हमारे साथ के जितनी छोटी पार्टियां है, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो यह सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है।